Vande Mataram, dear students. Today we will see the third part, part 3 of English subject of standard 6. And the third part is the continuity of the part 2 video. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? तारों की स्टोरी देखेंगे, वो कंटिन्यू करेंगे अपने सेकेंड पार्ट के वीडियो में. उसको अधूरे में छोड़ दिया था ना स्टोरी को. और फिर क्या कि मैंने बोला था कि अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो अपने इस वीडियो में उसको कंटिन्यू करेंगे. तो अभी तक की स्टोरी में क्या देखा था कि तारो कैसे उसके मम्मी पापा की हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता है, और इसलिए वो बहुत मेहनत करता है. तभी उसको पानी की आवाज़ सुनाई देती है, और वो प्यासा होता है इसलिए वो उस साइड भागता है, दौड़ता है. तो तभी वो देखता है, क्या देखता है कि एक छोटा सा वाटरफॉल है. तो वो पीने के लिए हाथ बढ़ाता है, तो उसको टेस्ट करने के बाद उसको पता चलता है कि ये पानी नहीं है, सेक है. तो इसलिए फिर वो मटका भर के घर पे ले जाता है. फिर विजिटर में एक लेडी आती है, उसको वो चखाता है, राइट. उसके पापा उसको देते हैं. वैसे ही पूरे गांव में पूरी स्टोरी वो लोग फैला देते हैं, और सब उनको मिलने आते हैं, और सेक पिलाते हैं उसके पापा. अब नेक्स्ट क्या होता है देखते हैं. नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर. फिर अगली सुबह तारो बहुत जल्दी उठ गया. उससे पहले जल्दी कभी नहीं उठा था, इतनी जल्दी उठ गया उस सुबह. ही कैरिड विथ हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल. उसने उसके पास सबसे बड़ा जो मटका था, पिक्चर था, उसको वो उसने ले लिया. और उसने क्या सोचा था, इंटेंडेड यानी प्लान्ड, उसने प्लान किया था कि मैं सबसे पहले उस वाटरफॉल के पास जाऊंगा. व्हेन ही रीच्ड इट ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर. वो जब वहाँ पे पहुँचा तो उसको क्या अचंभा हुआ, उसने क्या देखा कि उसके सारे पड़ोसी पहले से ही वहाँ पे पहुँचे हुए हैं. दे वेर कैरिंग पिक्चर्स, जार्स, बकेट्स, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सेक. सब अपने साथ मटका, फिर जार, बाल्टी, जो भी उनके पास था वो सब लेके खड़े थे, ताकि वो लोग मैजिक सेक को ले सके, ढूंढ सके. Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. फिर एक villager ने उसका मुँह लगाया वहाँ waterfall में पीने के लिए. He drank again and then shouted angrily, water, nothing but water. तो फिर उसने वापिस और वापिस पिया, और फिर वो चिल्लाया गुस्से से कि ये तो पानी है और कुछ नहीं पर पानी है. अदर्स ऑल्सो ट्राइड बट देर वॉज नो सेक ओनली कोल्ड वाटर. बाकी सब ने भी ट्राई किया पर वहाँ पे सेक नहीं था, क्या था, सिर्फ ठंडा पानी. देखो ये क्या है, ये तारो है ना, ये देख रहा है, और ये सारे विलेजर्स उनके बर्तन को लेकर पहुंच गए वाटरफॉल के पास. ये वाटरफॉल है ना यहाँ पे सेक के लिए. वी हैव बीन ट्रिक्ड शाउटेड द विलेजर्स. सब विलेजर्स गुस्से से चिल्लाने लगे कि हम सबके साथ क्या हुआ है, मजाक किया गया है. ट्रिक्ड यानी डिसीव्ड. वेयर इज तारो, लेट अस ड्राउन हिम इन दिस वाटरफॉल. फिर सब पूछ रहे थे कि तारो कहाँ है, चलो उसको इस वाटरफॉल में डुबा देते हैं. ड्राउन यानी डुबा देना. बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लीप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वेर गोइंग. ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड. पर तारो तो क्या था, समझदार था कि वो उस रॉक के पीछे छुप कर देख रहा था कि क्या क्या हो रहा है, ताकि वो भाग सके, और वो फिर किसी को मिला नहीं.
Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. फिर वो लोग सब गुस्से में बोल चाल करके सब बोल बोल के और डिसअपॉइंट होके यानी दुखी होके वहाँ से एक के बाद एक निकलते गए छोड़ते गए. तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, सब चले गए. फिर तारो वहाँ जहाँ छिपा था वहाँ से बाहर निकला. वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड. वॉज द सेक ऑफ अ सेक अ ड्रीम, फिर उसने पूछा कि क्या ये सही में ऐसा था, फिर क्या ये सेक एक सपना था मेरे लिए, उसने सोचा. वंस मोर ही कॉट अ लिटल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स, इट वॉज द सेम फाइन सेक. फिर उसने क्या किया कि वापिस उस लिक्विड को हाथ में लिया और चखा, तो वो क्या था, सेक ही था उसके लिए. टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डेलिशियस सेक, टू एवरी वन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर. यानी कि उस बेटे को जो बहुत उसके माँ बाप के लिए सोचता था, उसको मैजिक वाटरफॉल ने बहुत स्वादिष्ट सेक दिया और बाकी सब के लिए वो तो सिर्फ एक ठंडा पानी ही था. द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान, फिर ये स्टोरी तारो और मैजिक वाटरफॉल की जापान के राजा को पहुंची, एम्परर को. ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवॉर्डेड हिम विथ 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड. तो फिर उसने उस यंग वुड कटर यानी तारो के लिए क्या भेजा, इनाम भेजा. इनाम में क्या था कि सोने के 20 टुकड़े 20 पीसेस ऑफ गोल्ड. क्यों भेजे, क्योंकि वो बहुत अच्छा था और दयालु था, गुड एंड काइंड. देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो. दिस सेड द एम्परर वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स. तो फिर क्या किया कि उसने सबसे ब्यूटीफुल फाउंटेन को उस सिटी में उसको तारो नाम दिया, तारो के पीछे से. और उसने यानी एम्परर ने सब बच्चों को एंकरेज करने के लिए यानी उत्साहित करने के लिए, बूस्ट करने के लिए कि वो उनके मम्मी पापा की मान सम्मान करें, उनको माने, उनकी कदर करें, इसलिए ये स्टोरी बताए. ओके, तो स्टोरी समझ में आ गई सबको. ओके, वंदे मातरम.